जया बच्चन ने लोकसभा में बॉलीवुड की छवि खराब करने का आरोप रवि किशन पर लगाया है। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर निशाना साधा है। जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया। जया ने कहा कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक अभिनेता ने इंडस्ट्री के खिलाफ बोला है, जो काफी निंदनीय है। उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। चंद लोगों के लिए पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं है। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी से सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले को उठाया था। बीजेपी सांसद ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़े स्तर पर जांच की मांग की है। सांसद जया बच्चन ने कहा कि जब भी देश में कोई समस्या सामने आती है, सबसे अधिक बॉलीवुड के लोग ही मदद के लिए खड़े होते हैं, जबकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। जया बच्चन ने कहा कि हमें सरकार से समर्थन भी नहीं मिल रहा और जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।